हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सारे अच्छे होंगे। आज हमारे डाइट प्लान का 17th डे। आई होप कि आपका डाइट प्लान अच्छा चल रहा होगा। आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको डाइट प्लान के कैसे रिजल्ट मिल रहे हैं। सो दिन की शुरुआत आपने गुनगुने वाटर से करनी है, उसके बाद आपने जीरा वाटर को बॉयल कर लेना है एंड उसको सिप सिप करके पी लेना है। सो आज मॉर्निंग में मैं बना रही हूँ, ये मेरे पास स्प्राउट्स पड़े हैं जो मैं मूंग दाल के एंड चने के स्प्राउट्स भिगोती हूँ। साथ में रात को मैंने सोयाबीन भिगो के रखी थी, उसको मैंने बॉईल किया है। तो आज मैं इसका चीला बनाने वाली हूँ। तो हमने जो भी हमारे पास चीज़ें हैं उनको हमने मिक्सर जार में डाल लेना है। आपने इस तरह से स्प्राउट्स को इसमें डाल लेना है, साथ में हरा धनिया है, हरी मिर्च है एंड अदरक है, लहसुन है, इन सारी चीज़ों को आपने इसमें डाल लेना है। साथ में आप हल्दी एंड नमक भी डाल लीजिए। थोड़ा सा आप इसमें नींबू स्क्वीज़ कर सकते हैं एंड अच्छे से आपने मिक्सचर ग्राइंडर को चला लेना है। जब इसका बैटर अच्छे से बन के रेडी हो जाएगा तो आपने पैन पे उसको पका लेना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बैटर किस तरह का रेडी हुआ है। इसकी थिकनेस ऐसी होनी चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने पैन पे थोड़ा सा घी लगा देना है एंड बैटर को उस पर डाल देना है। आपने सिम आंच पे इसको पकाना है। कम से कम आपको 5 मिनट एक साइड से लग जाएंगे। इसको फ्लिप करना आसान ही था, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। आपने दूसरी साइड से इसको पकाना है एंड आपने इंजॉय करना है। मैंने दूध के साथ इसको लिया है, आप दही के साथ भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का ब्रेकफास्ट बहुत ही हेल्दी है क्योंकि इसमें प्रोटीन है, इसमें फाइबर है, मिनरल्स एंड विटामिन्स हैं, हमारे हार्ट को हेल्दी रखते हैं एंड साथ में वेट को मैनेज रखते हैं। फ्रेंड्स, टाइम हो चुका है 12:30 एंड इट्स माय वर्कआउट टाइम। सो वर्कआउट करने से पहले मैं लेती हूँ ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी। वैसे मैं आजकल ब्लैक कॉफ़ी ही लेती हूँ, आप कुछ भी ले लीजिए। अगर आपके पास ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी अवेलेबल नहीं है देन आप मेरी मैजिकल ड्रिंक ट्राई कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी लेते हैं तो उससे आपकी बॉडी एक्टिव हो जाती है एंड आपको स्वेटिंग होती है जिससे आपकी कैलरी एक्स्ट्रा बर्न होती है। सो आपने अच्छे से वर्कआउट करना है। आज मैं इस टॉवल की हेल्प से एक्सरसाइजेस कर रही हूँ।
फ्रेंड्स, वर्कआउट के बाद आपने आधा घंटे का रेस्ट लेना है, उसके बाद आपने लंच करना है। सो लंच में मैं बहुत सारा सैलेड ले रही हूँ, एक चपाती मैंने ले रखी है, बहुत सारा दही ले रखा है, साथ में मैंने बनाई है सोयाबीन की दाल, सो मैं ये ले रही हूँ। आपने सब्जी ज़्यादा लेनी है, आपने सैलेड ज़्यादा लेना है, दही ज़रूर लेना है आपने। आप चपाती की क्वांटिटी कम कर दीजिए, अगर आप तीन खाते हैं तो दो खाइए, दो खाते हैं तो आप एक खाइए। फ्रेंड्स, हमारा सेकंड फेज स्टार्ट हो चुका है। सो रात को आपने रोटी या चावल नहीं खाने हैं, जो मैं आपको बताऊंगी वही खाना है। इसलिए आपने 5:30 बजे लेने हैं मखाने, या आप रोस्टी चने ले सकते हैं, या फिर आप रोस्टी न्यूट्री ले सकते हैं, बट आपने ज़्यादा नहीं लेना है, जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है आपने उतना ही लेना है। सो आज डिनर में मैं बना रही हूँ पम्पकिन का सूप। फ्रेंड्स, पम्पकिन का सूप बनाने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमने पम्पकिन को कट करना है, साथ में मैंने ले रखा है लहसुन एंड साथ में हरी मिर्च है, साथ में मैंने नींबू रखा है एंड साथ में धनिया रखा है, इनको हम बाद में डालेंगे। सबसे पहले आपने प्रेशर कुकर में डाल लेना है 1/2 स्पून देसी घी एंड साथ में जीरे का तड़का लगाना है। आपने लहसुन डाल देना है, हरी मिर्च डाल देनी है, ऊपर से आपने पम्पकिन को इस तरह से ऐड कर देना है। ऊपर से आप हल्दी डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, आपने नमक ज़्यादा नहीं डालना है। जब ये थोड़ा सा रोस्ट हो जाए, आपने 1/2 गिलास पानी का डालना है एंड इसको पकने के लिए रख देना है। ऊपर से आपने लिड लगा देनी है, 2 सीटी आने पे आपने गैस को बंद कर। फ्रेंड्स, आपको मिक्सचर में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये इस तरह से स्पून से ही मैश हो जाएगा। आपने ऊपर से डाल देना है हरा धनिया एंड साथ में नींबू स्क्वीज कर लेना है। सो टेस्टी एंड हेल्दी आज का डिनर है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, बहुत अच्छा वेट लॉस देगा, खाने में भी हेल्दी है एंड साथ में टेस्टी है। सो फ्रेंड, इंजॉय कीजिए आज का डिनर। फ्रेंड्स, कल मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए मैं बना रही हूँ ओवरनाइट सोर्स। सो ओवरनाइट सोर्स हमें रात को ही बनाने पड़ते हैं, सो उसके लिए आपने 3 स्पून ले लेने हैं ओट्स के, साथ में आपने 1 एप्पल कट कर लेना है। आपको इसके लिए दही की ज़रूरत पड़ती है, दही आपका मीठा होना चाहिए। सो मेरे पास नट्स पड़े हैं, मैंने नट्स ले रखे हैं 1.5 स्पून। अगर आपके पास नट्स नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप इसमें 5 बादाम डाल लीजिए, ये ऑप्शनल है। साथ में आप इसमें डाल लीजिए दही, दही आपका खट्टा नहीं होना चाहिए, आप 5 स्पून दही इसमें डाल लीजिए। साथ में आपने बिना पील किया हुआ एप्पल इसमें ऐड करना है। फ्रेंड्स, आपने इन सारी चीज़ों को एयर टाइट कंटेनर में डालना है जो कांच का हो, और उसकी लिड बंद करके आपने ओवरनाइट इसको फ्रिज में रखना है। लास्ट में आप डालेंगे हनी एंड सारी चीज़ों को मिक्स करके इसको बंद करके आप फ्रिज में रख दीजिए। मॉर्निंग में एज इट इज़ हम इसको खाएंगे। सो ये टेस्टी, बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट है। घर के सारे काम फिनिश करने के बाद लास्ट मेरा काम होता है नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए सारी चीज़ें भिगोना, एंड अभी के लिए ग्रीन टी बना के मैंने रख ली है। सो लास्ट में मैं ग्रीन टी पीऊँगी। सो मिलते हैं हम कल वाली वीडियो के साथ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।